खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने, जानिए कब आपके बीच होगा ये शो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। टीवी के पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के फैंस के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द ये शो आपके बीच होगा। रोहित शेट्टी के इस खतरनाक शो की लॉन्चिंग डेट और कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के बारे में जानकारी सामने आई है। रोहित शेट्टी का ये शो हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। पिछले सीजन के हिट होने के बाद मेकर्स ने इसके 13वें सीजन के लिए खास तैयारियां करके रखी हैं। दर्शकों को रोमांचित करने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। शो का पिछला सीजन TRP चार्ट में नंबर 1 बन गया था, जिसके बाद 13वें सीजन का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी शो को पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये शो कब आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन इसमें भाग लेने वाले हैं, तो हम आपको ये सब बताने वाले हैं। जहां अभी तक रियलिटी शो से जुड़ी तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, वहीं अब शो के टाइम और कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के बारे में जानकारी मिली है, जो इसके फैंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जुलाई को शो का प्रीमियर कलर्स चैनल पर किया जाएगा। शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे आप अपने पसंदीदा शो में कंटेस्टेंट्स को खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करते देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी शूटिंग मई महीने में शुरू होगी और पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में इसे शूट किया जाएगा। आप इसे भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी देख सकते हैं। शो को UAE में 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। हालांकि मेकर्स ने अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा है, उनके ऑफिशियल अनाउंस का इंतजार है। टीवी के अलावा आप इसे कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, जहां इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। बात करें शो कंटेस्टेंट्स की, तो कई नाम सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस में नजर आने वाले MC स्टैन और शिव ठाकरे, सोशल मीडिया के फेमस स्टार एंजल रॉय आपको शो में खतरनाक स्टंट करते देख सकते हैं। इनके अलावा हर्षद चोपड़ा, अंकित गुप्ता, गश्मीर महाजनी, अर्चना गौतम, प्रियंका चहर चौधरी, नकुल मेहता, मुनव्वर फारूकी का नाम भी सामने आ रहा है। इसी तरह की और तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज़।